हेलो फ्रेंड्स, रतलाम जायके में आपका वेलकम है। फ्रेंड्स, अभी सीताफल का सीज़न है तो आज हम बनाएंगे सीताफल बासुंदी। इसका टेस्ट बहुत लाजवाब है, आप इसे कभी भी डेजर्ट में बनाकर सर्व कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, आप इसे आसानी से घर में बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने 1 लीटर दूध लिया है और इसे हमें उबालना है, मतलब हमें तब तक उबालना है जब तक ये दूध आधा रह जाए, मतलब आधा लीटर हो जाए तब तक हम इसे उबालेंगे। और साथ ही मैंने 100 ग्राम इसमें मलाई डाली है, तो इससे क्या होगा कि जो दूध है उसे हमें थोड़ा सा कम उबालना पड़ेगा, मतलब ये बहुत जल्दी इसमें गाढ़ापन आ जाएगा। दूध को बीच बीच में हिलाते रहेंगे ताकि ये तले में चिपके नहीं। और जो आइट साइड की मलाई है उसे हम इस तरह से निकाल कर और दूध में मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए दूध कितना गाढ़ा हो गया है। ये मैंने 1 लीटर दूध लिया था तो उसका ये आधा लीटर हो गया है, तो हमें इसे इतना ही गाढ़ा करना है। ये देखिए पहले दूध कितना पतला था और अब कितना गाढ़ा हो गया है। बासुंदी में मार्केट में मावा डाला जाता है तो हम भी मावा डालेंगे। तो ये मैंने 50 ग्राम मावा लिया है, आपके पास जो मावा अवेलेबल हो आप वो इसमें डाल सकते हैं। मावे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। साथ ही हम इसमें शक्कर डालेंगे, तो ये मैंने 4 चम्मच शक्कर ली है, इसे भी हम डाल देते हैं। सीताफल मीठे होते हैं इसलिए हमने शक्कर कम डाली है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी शक्कर डाल सकते हैं। इसे हम 10 मिनट और उबाल लेंगे ताकि जो हमने मावा और शक्कर डाली है वो अच्छी तरह से पक जाए। ये बासुंदी बनकर तैयार हो गई है और आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी आपको इस तरह से रखना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं रखना है क्योंकि ये ठंडी होने के बाद और गाढ़ी होगी। बासुंदी का टेस्ट और बढ़ाने के लिए हम इसमें 1/4 चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे और कुछ केसर के धागे। साथ ही हम इसमें 1 चम्मच बादाम की कतरन डालेंगे और 1 चम्मच पिस्ता। गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे हम ठंडा कर लेंगे। तब तक हम सीताफल का पल्प निकाल लेते हैं। तो ये मैंने 4 सीताफल लिए हैं और ये सीताफल पे डिपेंड करता है कि इसमें बीज ज़्यादा है या कम है। अगर पल्प इसमें अच्छा निकलता है तो 4 सीताफल काफ़ी है, और अगर नहीं तो आप इसमें और सीताफल ऐड कर सकते हैं। तो हम देखिए इस तरह से चम्मच से हम निकालेंगे इसका पल्प, बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी ये निकल जाता है। बड़े सीताफल में बीज बहुत कम रहते हैं और छोटे सीताफल में ज़्यादा रहते हैं। तो देखिए इसमें बीज ज़्यादा है क्योंकि ये मेरे पास छोटे सीताफल हैं। ये मैंने सभी सीताफल का पल्प निकाल लिया है, अब हम इसके बीज निकाल लेते हैं। चम्मच से हम इस तरह से दबाते हुए इसे छान लेंगे तो इससे क्या होगा जो इसका पल्प है वो भी अलग हो जाएगा और बीज भी अलग हो जाएंगे। ये देखिए मैंने इसके सभी बीज निकाल दिए हैं और इसका सिर्फ मैंने पल्प ही रखा है। तो इसे हमें बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना है, हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। ये देखिए सीताफल का मैंने बहुत ज़्यादा बारीक पेस्ट नहीं किया है, थोड़ा खड़ा रखा है। और ये हमारी बासुंदी भी ठंडी हो गई है। अब हम बासुंदी में सीताफल का पल्प डाल देंगे। अच्छा
अच्छी तरह से इसे हम मिक्स कर लेंगे। इसमें मुझे पल्प थोड़ा कम लग रहा है, तो हम इसमें 4 सीताफल का पल्प निकाल कर डाल देंगे। मतलब टोटल मैंने इसमें 8 सीताफल का पल्प डाला है। मेरे सीताफल छोटे हैं इसलिए मैंने 8 लिए हैं। अगर आपके सीताफल बड़े हैं तो आप 4 लें। तो ये देखिए, बासुंदी अब थोड़ी गाढ़ी हो गई है और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आ रहा है इसमें। तो ये हमारी सीताफल बासुंदी तैयार हो गई है।